जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। जी हाँ, वही नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं और पूरे इंडिया को एक प्रोत्साहित किए हैं, तो उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था 15 नवंबर 2017 को, आप देख सकते हैं। तो ये ट्वीट किया गया था इनके द्वारा जब ये इनकी संघर्ष की कहानी थी, चल रही थी। तो वही है यार, संघर्ष करेंगे अगर हम, मेहनत करेंगे लगातार बार बार, और हमको थकावट ना महसूस हो, तो हम हमारी जो सफलता होती है वो निश्चित हो जाती है। तो आगे बढ़ते रहिए, और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अभी तक के जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितने गोल्ड मेडल मिले हैं इंडिया को, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो वीडियो के साथ बने रहिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप पा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि तो जो टोटल गोल्ड मेडल, सॉरी जो टोटल मेडल्स लाए गए हैं हमारे, टोटल मेडल्स तो 7 मेडल्स लाए गए हैं टोटल हमारे इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में। कौन कौन सा 7 है आप जरूर देखिए यहाँ पे। तो देखिए, पहला गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो पहला गोल्ड मेडल कौन, किसके द्वारा लाया गया था, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। तो ये एथलीट में लाया गया था जेलिविन थ्रो में, यानी कि ये जो भाला फेंक होता है, 7 अगस्त को लाया गया था। फिर 24 जुलाई को वोमेंस के द्वारा 49 kg की कैटेगरी में लाया गया था, ये हमारे मीराबाई चानू जी के द्वारा सिल्वर लाया गया था। फिर सिल्वर लाया गया था रवि कुमार धानिया के जी के द्वारा, ये 2 सिल्वर, फिर 2 सिल्वर रेसलिंग में मेंस 57 kg के कैटेगरी में 5 अगस्त को। फिर 1 अगस्त को लाया गया था 3 ब्रॉन्ज पीवी सिंधु जी के द्वारा। फिर 3 ब्रॉन्ज लाया गया था बारोगनियन के द्वारा, लोबिना के द्वारा बॉक्सिंग में, जो कि, और ये बैडमिंटन में लाया गया था पीवी सिंधु जी के द्वारा। रेसलिंग में लाया गया था किसके द्वारा, तो धानिया जी के द्वारा, रवि कुमार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान देना है, 4 अगस्त को ये लाया गया था। उसके बाद हमारी टीम परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया किया, हमारा नेशनल टीम जो कि हॉकी का, ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया, जिसमें से दिलप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, मनप्रीत सिंह कैप्टन थे, जो कि इंडिया मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम के, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा। तो कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह, जो कि ब्रॉन्ज मेडल्स लाया गया इनके द्वारा 3-5 अगस्त को। तो ये मैच टूर्नामेंट था। तो और उसके बाद पुनिया जी के द्वारा लाया गया था रेसलिंग में 65 kg के कैटेगरी में 7 अगस्त को। तो ये टोटल हमारे 7 मेडल्स थे, और 7 मेडल्स में से कौन कौन से मेडल्स क्या थे, आइए हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में, डिटेल्स में। तो बात करें अगर इंडिया के अभी 2020 का जो समर ओलंपिक भी इसी को बोलते हैं, तो समर ओलंपिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये समर के सीजन में होता है, इसलिए इसको समर ओलंपिक भी बोलते हैं, टोक्यो ओलंपिक को। तो अभी 2020 में जो हुआ है, 2020 का था ये, 2021 में हुआ है, ठीक है, कोविड के चलते। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बाकी NOC यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है, टोक्यो जापान में जो हुआ था, 124 में से 18 स्पोर्ट्स थे ये हमारे इंडिया के। तो ये मैरी कॉम जी के द्वारा यहाँ पे फ्लैग बेरर किया गया, ओपनिंग का टाइम मनप्रीत सिंह कैप्टन और मैरी कॉम जी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, फ्लैग बैरियर क्लोजिंग किया गया था ये पुनिया जी के द्वारा, ये भी आपको ध्यान देना है। मेडल्स टोटल थे 7, जो कि मैंने बताया 47th रैंक था 7 मेडल्स में से, 4 ब्रॉन्ज सिल्वर 2 और गोल्ड 1 था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, 1 गोल्ड जो था ये हमारे नीरज चोपड़ा जी के द्वारा लाया गया था, 2 सिल्वर लाया गया है और 4 ब्रॉन्ज लाया गया है। तो टोटल 7 मेडल्स लाए गए हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये 2020 के जो समर ओलंपिक है उसमें लाया गया है, जो 2021 में हुआ है। बाकी टोटल्स की बात करें तो टोटल 35 हमारे मेडल्स हैं, जिसमें से 16 ब्रॉन्ज है, 9 सिल्वर है और 10 गोल्ड है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन थे कि 9 गोल्ड है, लेकिन 9 गोल्ड नहीं है बच्चों, 9 गोल्ड नहीं है, 10 गोल्ड है, जो कि 8 गोल्ड तो हमारे इंडियन हॉकी टीम ने लाई थी, और 8 गोल्ड इंडियन हॉकी टीम लाई थी, और 1 ये गोल्ड है जो कि 2021 में हमारे नीरज चोपड़ा जी द्वारा लाया गया। और 9th होल नंबर का जो गोल्ड था, जिसके आप लोग नहीं जानते होंगे, 9th नंबर का गोल्ड हमारे ये शूटिंग में मिला था, वो किसको मिला था आप जरूर कमेंट करिए, अगर जानते हैं तो उस पर्सन का नाम, उसी स्पोर्ट्समैन का नाम बताइए। मैंने गेम का नाम बताया, शूटिंग में मिला था,
उस स्पोर्ट्स मैन का नाम अगर सर्च करिए नहीं जानते हैं तो, ताकि और भी जानकारी आपको मिल सके। तो टोटल 10 गोल्ड थे हमारे, तो ये आपको ध्यान देना है। आइए, और छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया था इसके बारे में और भी, कि जो मेजर ध्यानचंद जी था, मेजर ध्यानचंद जी जो थे, ये हमारा हॉकी टीम में 3 मेडल जो थे ये लगातार लाया गया था इनके द्वारा, इनको हॉकी के जादूगर भी कहते हैं। तो इन्हीं के नाम पर अब जो भी स्पोर्ट्स का वो हाईएस्ट जो नाम था अवार्ड का, राजीव गांधी खेल रत्न, उसका नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया है। तो ये आपको ध्यान देना है, पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अप्रिसिएट किया गया है, इसको चेंज किया गया है। और मोस्ट रिसेंट विनर थे इसके, इस अवार्ड के, रोहित शर्मा जी, बाकी रानी रामपाल जी, तो ये बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि इसके मोस्ट रिसेंट इसको लिए भी हैं। तो इसमें कितने रिवॉर्ड दिया जाता है, 25 लाख दिया जाता है इस अवार्ड में, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये टोटल अवार्ड 45 है, ठीक है अभी तक। तो फर्स्ट विनर कौन थे ये भी पूछा जा सकता है आपसे, विश्वनाथ आनंद जी को यहाँ पे फर्स्ट विनर थे इस अवार्ड के, ठीक है। तो इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा कि राजीव गांधी के खेल रत्न जो सम्मानित था, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 3 जो गोल्ड था, 3 गोल्ड तो इनके ही द्वारा लाया गया था, जो हम बात कर रहे हैं 8 हॉकी टीम में जो लाया गया था, तो 3 गोल्ड लगातार इनके ही द्वारा लाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। 1928 में, 1932 में, 1936 में, तो इनके द्वारा लाया गया था। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। इनके बारे में थोड़ा आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले भी, तो ये ध्यान रखना है। बाकी आपसे जो क्वेश्चंस बन सकता है उसको भी ध्यान रखना है, कि इंडिया जो है अभी तक जो 2020 का जो समर ओलंपिक था उसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज 4, टोटल 7 था। लेकिन टोटल की अगर बात करेंगे, टोटल अभी टिल नाउ तो 35 टोटल हैं, जिसमें से 16 ब्रॉन्ज है, 9 सिल्वर है और 10 गोल्ड है, ये आपको नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बन सकता है। तो अभी जो आपका कोई भी एग्जाम्स होने वाले होंगे उसमें से जरूर पूछे जा सकते हैं नंबर्स ये हमारे, जो कि क्योंकि अभी जो ओलंपिक खत्म हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, कहीं भी जुड़ सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी इसकी जानकारी ले सके और बेनिफिट मिल सके उनको भी। सो और एक और वीडियो आएगी हमारी, जो कि टोटल ओलंपिक्स की बात करेगी, टोटल मेडल्स की बात करेंगी, और भी बहुत सारी जानकारी वहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वो वीडियो जल्दी आएगी, जल्दी ही उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।